तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नीरज चंद चौधरी, जो एक इंडियन राइटर थे और इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर के तौर पर देखे जाते हैं, महत्वपूर्ण राइटर, महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और जो ये जो इनका जो कंपोजिशन है माय मदर, ये एमपी बोर्ड प्लस एमपी टेट दोनों में ही महत्वपूर्ण है। और साथ में इंडियन राइटिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनके बारे में आ सकते हैं, नीरज चंद चौधरी के बारे में। तो आज जो है हम इनकी थोड़ा बायोग्राफी जानेंगे और थोड़ा समझेंगे बायोग्राफी के बारे में इनकी। तो देखना है, चौधरी वाज बोर्न इन किशोरगंज, मैमन सिंह, ईस्ट बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। जो चौधरी थे वो जन्मे थे किशोरगंज में, और जो किशोरगंज कहाँ था, मैमन सिंह नाम की जो जगह है ईस्ट बंगाल में, उस समय ईस्ट बंगाल में पड़ता था जब ब्रिटिश इंडिया यानी कि जब अंग्रेजों का राज था भारत पर, उस समय का जो भारत था उस समय ये ईस्ट बंगाल में पड़ता था। लेकिन अब जो है वो नाव बांग्लादेश, अब वो कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो इस प्रकार से जो उनका जन्म जो हुआ था वो किशोरगंज में हुआ था, जो अब की स्थिति में बांग्लादेश में है। द सेकंड ऑफ एट चिल्ड्रन ऑफ उपेंद्र नारायण चौधरी। और जो चौधरी जी जो थे, नीरज चंद चौधरी, वो सेकंड नंबर पर थे यानी दूसरे नंबर पर थे 8 बच्चों में, 8 चिल्ड्रन यानी 8 बच्चों में, ऑफ उपेंद्र नारायण चौधरी। उनके पिताजी का नाम उपेंद्र नारायण चौधरी था और वो 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। लॉयर एंड ऑफ, और उनके जो पिताजी थे वो लॉयर यानी एक वकील थे, एंड ऑफ सुशीला सुंदरानी चौधरानी। और जो उनकी माताजी का नाम था सुशीला सुंदरानी चौधरानी नाम था। हिज पेरेंट्स वर लिबरल मिडिल क्लास हिंदूज हु बिलोंग टू द ब्रह्मो समाज। उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से और हिंदू धर्म से संबंधित थे, जो कि बिलोंग्ड ने होता संबंधित होना, जो कि किससे संबंधित थे, टू द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज मूवमेंट, ब्रह्म समाज का जो आंदोलन था वो उससे भी संबंधित या जुड़े हुए थे। तो देखते हैं आगे। चौधरी वाज एजुकेटेड इन किशोरगंज एंड कोलकाता। चौधरी जो थे उनकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई थी किशोरगंज में हुई थी, और एंड कोलकाता देन कैलकटा, उस समय उसे कैलकटा कहा जाता था, सॉरी उस समय उसे कोलकाता कहा जाता था और अब उसे कैलकटा कहा जाता है। तो उस समय उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो उनके बर्थ प्लेस किशोरगंज में ही हुई थी। फॉर हिज एफ ए स्कूल लिविंग कोर्स ही अटेंडेड रिपन कॉलेज इन कैलकटा अलोंग विथ द फेमस बंगाली राइटर विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ये जो उसके बाद जब उनने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और स्कूल छोड़ने के बाद उनने जो कोर्स अटेंड किया यानी ग्रेजुएशन जो की थी वो उनने अपने रिपन कॉलेज में, रिपन कॉलेज नाम का जो एक महाविद्यालय था जो कैलकटा में ही था, उसमें उन्होंने की थी। और वो भी किसके साथ में करी थी, विद द फेमस बंगाली राइटर, एक प्रसिद्ध बंगाली राइटर ने लेखक जिनका नाम था विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो उनके साथ में उन्होंने रिपन कॉलेज में एडमिशन लिया स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद। फॉलोइंग दिस ही अटेंडेड स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता। और इसके बाद फॉलोइंग दिस ने इसके बाद उन्होंने अटेंडेड ने उन्होंने ज्वाइन किया या उपस्थित हुए स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम का जो एक कॉलेज था जो कलकत्ता में ही था, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया। वेयर ही स्टडीड हिस्ट्री,
जहाँ पर उन्होंने किसकी पढ़ाई करी, स्टडीड हिस्ट्री, इतिहास की पढ़ाई करी एज इज अंडर ग्रेजुएट मेजर, और यानी कि हम कह सकते हैं उन्होंने वहाँ पर बीए अपनी कंप्लीट करी हिस्ट्री से। ही ग्रेजुएट विथ ऑनर्स इन हिस्ट्री एंड टॉप्ड, तो उन्होंने जो है ग्रेजुएट विथ ऑनर्स इन हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास के विषय से जो है टॉप भी किया साथ में द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और कहाँ पर उन्होंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की मेरिट लिस्ट में, वहाँ की जो मेरिट लिस्ट बनी थी, जो मेरिट लिस्ट थी उसमें वो टॉप पर थे नीरज चंद चौधरी। तो वो इतने प्रतिभाशाली भी थे साथ में हम कह सकते हैं। और आगे अब हम देखेंगे थोड़ा और, एट स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता ही अटेंडेड द सेमिनार्स। उन्होंने जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज था कलकत्ता का, उन्होंने वहाँ पर सेमिनार्स भी अटेंड किए, और एंड ऑफ द नोटेड हिस्टोरियन प्रोफेसर और कालिदास नाग, और किसके सेमिनार को अटेंड किए, जो बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन प्रोफेसर थे कालिदास नाग नाम के, कालिदास नेग नाम के, उनका जो हिस्टोरियन प्रोफेसर थे बहुत ही प्रसिद्ध, उनका जो उन्होंने सेमिनार भी अटेंड किया। आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद ही इनरोल्ड द एमए, उन्होंने एमए के लिए अपना इनरोल्ड ने नामांकन भरा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और कहाँ भरा, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में भरा। हाउएवर ही डिड नॉट अटेंड ऑल ऑफ हिज फाइनल एग्जाम, लेकिन किसी कारणवश वो अटेंड एंड उपस्थित नहीं हो सके अपने फाइनल अंतिम एग्जाम में जो एमए की थी, एंड कॉन्सिक्वेंटली वॉज नॉट एबल, कॉन्सिक्वेंटली वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट हिज एमए, और इस प्रकार से वो किसी कारणवश, भूलवश या किसी कारणवश जो एमए अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। आगे देखेंगे, आफ्टर हिज स्टडीज ही टुक ए पोजिशन एज ए क्लर्क इन एन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। आफ्टर हिज स्टडीज, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद उन्होंने एक अपनी क्लर्क की पोजीशन प्राप्त करी, या एक बाबू बन गए इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में यानी जो गणना विभाग होता है उसमें वो बाबू बने द इंडियन आर्मी, और उन्होंने किसमें नौकरी करी, वो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था भारतीय फौज के, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करी, जॉब करी क्लर्क के रूप में। एट द सेम टाइम ही स्टार्टेड कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स, और ठीक उसी समय उन्होंने स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स, उन्होंने शुरू किए अपना कंट्रीब्यूटिंग यानी योगदान देना आर्टिकल्स टू पॉपुलर मैगजीन, अपने आर्टिकल्स यानी लेख देने लगे, वो एक पॉपुलर मैगजीन मैगजीन्स थी उसमें वो अपने लेख जो है देने लगे छपने के लिए। हिज फर्स्ट आर्टिकल ऑन भरत चंद्र, उनका जो है पहला आर्टिकल था वो भरत चंद्र पर था। ए फेमस बंगाली पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी, और जो भरत चंद्र थे वो कौन थे, ए फेमस बंगाली पोएट, एक प्रसिद्ध बंगाली कवि थे 18वीं शताब्दी के। अपीयर्ड इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंग्लिश मैगजीन ऑफ द टाइम, और वो उस समय के बहुत ही ख्याति सुप्रसिद्ध इंग्लिश मैगजीन थी ऑफ द टाइम, मैंने उस समय की, जिस समय नीरज चंद चौधरी जो थे उस समय की वो बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन थी जिसमें उन्होंने काम किया, जिसका नाम था मॉडर्न रिव्यू, यानी आधुनिक रिव्यू अपन कहते हैं, फिर से किसी चीज नज़रिया या दृष्टिकोण टाइप का। तो आगे देखेंगे, चौधरी लेफ्ट हिज पोजिशन, चौधरी जो थे उन्होंने अपनी पोजीशन यानी स्थिति जो है उसको छोड़ दिया, यानी उन्होंने रिजाइन दे दिया इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर रहे थे फौज में, उस डिपार्टमेंट से उन्होंने रिजाइन भी दे दिया, इस्तीफा दे दिया।
शॉर्टली आफ्टर एंड स्टार्टेड ए न्यू करियर एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर। शॉर्टली ना बहुत ही कम समय में उन्होंने रिजाइन दे दिया और उन्होंने अपना एक नया करियर स्टार्ट किया, वो भी किसके रूप में, जर्नलिस्ट एंड एडिटर। जो जर्नलिस्ट जो होते हैं अखबारों के लिए और जो एडिटर संपादक होते हैं उनके रूप में उन्होंने अपना नया करियर स्टार्ट किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज ए बॉर्डर बॉर्डर इन मिर्जापुर स्ट्रीट। इस समय के दौरान वो मिर्जापुर के आवासीय क्षेत्रों में रह रहे थे, स्ट्रीट नियर कॉलेज स्क्वायर। और वो कहाँ रह रहे थे, कॉलेज स्क्वायर के पास में रह रहे थे। कोलकाता जो कहाँ है, कोलकाता में था। लिविंग टू मिर्जापुर स्ट्रीट नाम की जगह थी जो कॉलेज स्क्वायर के पास में थी और वो कोलकाता में जगह थी। लिविंग टुगेदर विद द राइटर, और वो किसके साथ में रह रहे थे, टुगेदर इन्हें साथ में रह रहे थे, किसके साथ में रह रहे थे, विथ द राइटर्स विभूति भूषण, विभूति भूषण नाम के जो लेखक थे उनके साथ में रह रहे थे। विभूति भूषण बनर्जी उनका पूरा नाम था, एंड दक्षिणा रंजन मित्रा मयूमदार। तो इन दो लेखकों के साथ में वो उस जगह पर रह रहे थे जो हमारे नीरज चंद चौधरी जी। ही वॉज इन्वॉल्व इन द एडिटिंग ऑफ द देन वेल नोन इंग्लिश एंड बंगाली मैगजीन मॉडर्न रिव्यू। वो जो उस समय वो इन्वॉल्व में शामिल भी थे, जो नीरज चंद चौधरी हैं वो शामिल भी थे इन द एडिटिंग ऑफ देन वेल नोन इंग्लिश एंड बंगाली मैगजीन। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, अच्छी, जो ख्याति प्राप्त इंग्लिश और बंगाली मैगजीन थी जिसका नाम था मॉडर्न रिव्यू, उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रवासी प्रवासी एंड सोनी सोनी बरेर चिट्ठी, और उस बंगाली मैगजीन का नाम था प्रवासी एंड सोनी बरेर चिट्ठी नाम से वो मैगजीन थी, उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन द एडिशन इसके अतिरिक्त ही आल्सो फाउंडेड टू शॉर्ट लिव्ड बट हाईली स्टीम्ड बंगाली मैगजीन्स, समसामयिक एंड नौतन पत्रिका। इसके अतिरिक्त वो जो हैं एक बहुत ही स्टीम्ड, हाईली स्टीम्ड यानी बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध बंगाली मैगजीन समसामयिक और न्यूटन पत्रिका के लिए भी उन्होंने काम किया। तो ये जो था नीरज चंद चौधरी जी का जो है बायोग्राफी जो है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट किया है, और इसका जो अगला पार्ट है वो मैं सेकंड वीडियो में लाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मैं भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं और आपके लिए अच्छी शिक्षा और कुछ नया आपको प्रदान करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।